रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में छात्रों की लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने के चलते एबीवीपी इकाई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एबीवीपी ने दर्जनों छात्र छात्राओं के साथ तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी ने चेताया है कि अगर जल्द उनकी मांग को नहीं माना जाता है तो एबीवीपी पहले जिला स्तरीय आंदोलन करेगी, उसके बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी और अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो तकनीकी शिक्षा मंत्री का घेराव तक किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में छात्रों की लंबित मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते एबीवीपी इकाई ने डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एबीवीपी के दर्जनों छात्र छात्राओं ने तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को जमकर कोसा। एबीवीपी ने चेताया कि अगर जल्द मांगों को नहीं माना जाता है तो एबीवीपी पहले जिला स्तर पर आंदोलन करेगी और बाद में प्रदेश स्तर का आंदोलन शुरू करने के अलावा तकनीकी मंत्री का घेराव तक किया जा सकता है। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष सूरज जरियाल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाने में लगी है। सूरज ने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री भूल गए हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय भी उन्हीं के मंत्रालय में आता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की आवाज़ को विधानसभा में नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ये विश्वविद्यालय विकास की राह देख रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से ये विश्वविद्यालय पिछड़ रहा है। आज विश्वविद्यालय को सरकार ने बजट का प्रावधान तक नहीं किया है, जो कि शर्मनाक है। विद्यार्थी परिषद जो है, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसके जो मांगे हैं उसके ऊपर जो सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। विद्यार्थी परिषद पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही है। मैं प्रदेश सरकार को बता देना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन नगर का आंदोलन है। अगर जल्द ही विद्यार्थी परिषद के इस आंदोलन की तरफ और जो छात्रों की मांगे हैं, जो HBTU के अंदर समस्याएं हैं, उनका निपटारा नहीं किया गया, तो विद्यार्थी परिषद इसको पहले तो जिला स्तर का आंदोलन बनाएगी, फिर उसके बाद इसको प्रदेश स्तर का आंदोलन बनाएगी और सरकार की जो बंद आंखें हैं, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सरकार का जो तानाशाह रवैया है, उसको खोलने का काम करेगी। कि अगर अब भी सरकार जो है इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं देती है तो विद्यार्थी परिषद अब जल्द ही इसको जिला स्तर का आंदोलन और उसके बाद भी सरकार की जो नींद है वो नहीं खुलती है तो उसके बाद प्रदेश स्तर का आंदोलन करेगी। इसमें प्रदेश स्तर के जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा और जो संबंधित विभाग से मंत्री है उसको भी ज्ञापन दिया जाएगा और जितने भी अधिकारी हैं उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा और घेराव भी होगा। वहीं इकाई सदस्य अनिल ने बताया कि जल्द सरकार अगर नहीं मानती है तो तकनीकी मंत्री का एबीवीपी घेराव करेगी। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने से एबीवीपी कार्यकर्ता मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, जिस कारण अब मजबूरन छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उसकी मुख्य मांगे ये है कि जो यूनिवर्सिटी को जो थोड़े दिन पहले जो नोटिफिकेशन आता है तकनीकी शिक्षा मंत्री के माध्यम से कि यूनिवर्सिटी अपने कोई भी नए कोर्स या फिर कोई भी नई टीचर की भर्तियां जो है खुद नहीं कर सकती है, इसके लिए उनको यूनिवर्सिटी को सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ तकनीकी शिक्षा मंत्री से कि अगर हर चीज़ की परमिशन यूनिवर्सिटी अगर सरकार से लेगी तो वो यूनिवर्सिटी यहाँ खोली क्यों गई है? और जो यूनिवर्सिटी जो होती है इनको पिछले 2009-2010 से जो हमारी HBTU जो बनी हुई है पर उसको आज तक 9-10 साल हो गए हैं, आज तक कोई बजट का जो है प्रावधान नहीं किया गया है। और मेन कैंपस हमीरपुर के अंदर भी 500 के करीब जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं उनको भी जो मतलब बेसिक फैसिलिटी होती है जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोवाइड करवानी चाहिए जो यूनिवर्सिटी को, वो जो है बेसिक फैसिलिटीज़ भी हमें नहीं मिल रही हैं। और ऊपर से तकनीकी शिक्षा मंत्री ऐसा एक मतलब हास्यपूर्ण बयान दे देते हैं कि जो भी ये यूनिवर्सिटी है बिना उसके खुली है और इसमें जो है हम इस यूनिवर्सिटी को बंद कर देंगे। तो ये अगर ऐसा हुआ तो AVP इसको उग्र आंदोलन बनाएगी, प्रदेश जिला स्तर का ही नहीं प्रदेश स्तर का उग्र आंदोलन बनाएगी एवं बाद में जो भी घटना जो भी घटेगी उसके लिए प्रदेश सरकार खुद जिम्मेदार रहेगी। नहीं, धरना प्रदर्शन तक नहीं, अगला कदम हमारा हम कल या फिर एक दो दिनों में सांकेतिक भूख हड़ताल जो है वो प्रदेश सरकार के खिलाफ करने वाले हैं। अगर तब भी प्रदेश सरकार नहीं मानी तो उसके बाद हम जो है एक तकनीकी शिक्षा मंत्री का घेराव भी करने की सोच रहे हैं।